नमस्कार। अपनी सीरीज जो मैंने आपको शुरू की थी भारत एक परिचय, उसके अगले क्रम में आज हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनके बारे में हम ये जानेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं भारत के किन किन राज्यों के साथ जुड़ते हैं या सीमा बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपसे ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए प्रयास करते हैं इनको समझने का और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं वो उसके साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था, और 2 बताए थे जलीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम भारत में जो स्थलीय सीमा बनाते हैं उन देशों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व नहीं उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। दिशाओं का ज्ञान मैंने आपको कराया था, ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी उत्तर पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर और इस तरफ पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है जो कि भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से हैं आइए बताते हैं आपको, चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं भारत के उत्तर दिशा से, तो सबसे पहले है आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कितने राज्य मैंने बताया? 5। अब आइए इनकी संख्या करते हैं। नंबर 1 लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, हो गए 5। तो संख्या में कितने हुए? 5। और उनके नाम अगर हम सीरियल वाइज पढ़ते हैं तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब एक प्रश्न ये भी हो जाता है कि पाकिस्तान जो है सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है, किस राज्य के साथ बनाता है? तो वो बनाता है कि राजस्थान के साथ। पाकिस्तान की जो सबसे लंबी सीमा जिस भारत के जिस राज्य के साथ बनती है वो है राजस्थान। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि कितने राज्यों के साथ बनाता है, तो 5 राज्यों के साथ बनाता है। किसके साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है पाकिस्तान? तो वो है राजस्थान। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा नंबर का देश है आपका ये अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान से ऊपर का जो देश है वो आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत के मात्र 1 राज्य के साथ, जिसका नाम है लद्दाख, उसके साथ सीमा बनाता है। तो अफगानिस्तान किसके साथ सीमा बनाता है? सिर्फ लद्दाख के साथ। ये जो हिस्सा देखिए जुड़ा हुआ, मैंने यहाँ पर जुड़ा अफगानिस्तान, सिर्फ किसके साथ जुड़ रहा है? यहाँ से यहाँ तक लद्दाख है, सिर्फ लद्दाख के साथ जुड़ रहा है। तो अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत के मात्र 1 राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो वो है अफगानिस्तान, और वो राज्य कौन सा है? वो है लद्दाख। ठीक, अब प्रश्न आता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है, काल्पनिक सीमा रेखा निर्धारित की जाती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, रेड क्लिफ, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। ठीक, और अगर पूछा जाए अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो उसका नाम है डूरन। देखिए, इस पर किसी किसी किताब में ये लिखा है कि डूरन रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और किसी बुक्स में है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको डूरन रेखा कहते हैं। तो ये जो थोड़ा है विवादित प्रश्न है, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच भी मानी जाती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। और ये मात्र 1 राज्य के साथ जुड़ता है, वो है लद्दाख, और पाकिस्तान 5 राज्यों के साथ। इसकी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम भारत के उत्तर पूर्व में आते हैं तो वो है देश चीन। अब हम चीन के बारे में पढ़ते हैं कि चीन भारत के किन किन राज्यों से जुड़ता है। भारत अगर संख्या में पूछा जाएगा तो चीन भारत के 5 राज्यों के साथ जुड़ता है, जिनका क्रम इस प्रकार है। पहला है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, 3 बातें समझ में आई। हिमाचल प्रदेश, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुई है, अगर आप ना समझ पाए तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। चीन मैंने लिखा है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो अगर इसको नक्शे में देखते हैं तो देखिए ये लद्दाख का हिस्सा, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। अगर हम इनको नंबरिंग से डिनोट करें तो नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखिए बीच में ये उत्तर प्रदेश और बिहार से क्यों नहीं जुड़ा चीन, क्योंकि इसके बीच में नेपाल और भूटान देश हैं। ये देखिए सिक्किम का जो हिस्सा है वो तो चीन से मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार और चीन के बीच में कौन सा देश है? नेपाल है। इस वजह से ये इसके साथ सीमा नहीं बना रहा। तो अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि चीन कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो 5,
और मैंने आपको बताया उनके नाम भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये यहाँ पर जो देश है, राज्य है, वो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर चीन सीमा बनाता है, ठीक है। अब चीन और भारत के बीच में जो काल्पनिक रेखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैकमोहन रेखा, ठीक है। चीन और भारत के बीच में जो काल्पनिक रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, ठीक है। क्या है? मैकमोहन रेखा, मोहन ठीक, मैकमोहन रेखा। इसके बाद जो देश आता है वो है आपका नेपाल। नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो नेपाल भी बनाता है 5 राज्यों के साथ सीमा, जिनके नाम हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब हम इसे मैप में समझें तो सबसे पहले आपका आता है उत्तराखंड नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5, ठीक है। कितने राज्य हो गए? 5। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। अब अगर आपसे प्रश्न ये कर दिया जाए कि नेपाल किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो उसका नाम है बिहार, ठीक है। किसके साथ बनाता है? बिहार के साथ नेपाल की सबसे लंबी सीमा बनती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया पाकिस्तान की राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनती है, उसी प्रकार नेपाल की बिहार के साथ सबसे लंबी सीमा बनती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है भूटान। कौन सा देश आता है? भूटान। ये जो छोटा सा यहाँ पर ये देश दिख रहा है ये है आपका भूटान, ठीक है। अब भूटान के लिए प्रश्न है कि भूटान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो भूटान बनाता है 4 राज्यों के साथ, ठीक। कौन कौन से? इनके नाम मैं अभी आपको बताती हूँ, ये सीरियल इरेज कर दें ताकि आपको समझा सकें ठीक से। देखिए भूटान जो बनाता है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये भूटान देश है, ये किससे जुड़ रहा है? अरुणाचल प्रदेश से। इधर किससे जुड़ रहा है? ये है सिक्किम। ये जो अंगूठे की जैसी आकृति दिखती है ये है सिक्किम, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, देखिए ये असम है, इससे जुड़ रहा है असम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का विस्तार इस तरीके से है, तो ये जो है भूटान पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाता है। तो कितने राज्य हो गए? 4। नंबर 1 पर कौन है आपका? देखिए अगर हम इस तरह से डिनोट करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नंबर अब आपका आता है म्यांमार, ठीक है। कौन सा देश आता है? म्यांमार, ये है म्यांमार देश। इसके लिए प्रश्न है कि म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये भी बनाता है 4 राज्यों के साथ। ये दिशा कौन सी है? ये है भारत की, कौन सी दिशा है? ये भारत की है पूर्व दिशा, यानी भारत के जो पूर्व में है वो कौन सा है? म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? देखिए अगर आप उसमें भी देखें तो भी आपको समझ में आएगा। ये म्यांमार देश अलग से मैंने डिनोट किया है इस तरीके से, ये हिस्सा इसका। तो ये कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? ऊपर से स्टार्ट करिए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये आपका मणिपुर, ये मिजोरम, ठीक है। 4 राज्यों के साथ, कौन कौन सा? नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, 3 मणिपुर और 4 मिजोरम, ठीक। इसी का प्राचीन नाम जो है इसे बर्मा भी कहते थे। म्यांमार को प्राचीन नाम क्या है? बर्मा। कहीं पे अगर बर्मा लिखो तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब आता है बांग्लादेश। मैंने आपको इन 4 राज्यों के बारे में बता दिया, अब आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सबसे लंबी सीमा बनाता है, ठीक है। भारत के साथ जो जिस देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है उसका नाम क्या है? बांग्लादेश। और उसकी लंबाई कितनी है? 4156 किलोमीटर। ये प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और सबसे लंबी की है आपकी 4156 किलोमीटर, वो कौन सा देश है? बांग्लादेश, ठीक। अभी कितने राज्यों के साथ जुड़ता है? ये जुड़ता है आपका, देखिए त्रिपुरा, 1 2 3 4 5, कितने के साथ?
5 के साथ, यानी 5 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। अब नाम कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए नक्शे में भी समझ लेते हैं। बांग्लादेश कौन सा देश है? देखिए ये यहाँ पर मैं इसको गोले कर दे रही हूँ, ये जो देश है ये है बांग्लादेश। अभी किन किन से जुड़ रहा है अगर आप देखिए तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो त्रिपुरा, ठीक, ये असम, असम का नक्शा प्रॉपर नहीं मैंने इसमें बनाया है क्योंकि नहीं बन पा रहा था, तो जो ये जुड़ता है तो ये दो जगह बांग्लादेश के साथ, दो जगह, एक इधर पर साइड सीमा बनाता है, एक इधर साइड बनाता है असम, ठीक है, तो ये असम, त्रिपुरा, असम, ठीक, समझ में आ रहा है आपके। मेघालय, मेघालय देखिए स्पष्ट दिख रहा है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता हुआ, और मिजोरम यानी कि आपके चार जो है कौन कौन से, और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तो ये देखिए जुड़ ही रहा है बांग्लादेश के साथ, तो 5 राज्यों के साथ बनाता है सीमा। इसमें पश्चिम बंगाल, अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर पश्चिम बंगाल, सेकंड पे मेघालय, थर्ड पे असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक, बात समझ में आ गई। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है और इसकी लंबाई है 4156 किलोमीटर, और 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है जिनके नाम मैंने आपको बता दिए। बांग्लादेश और भारत के बीच में एक भूभाग भी है जिसका नाम है 3 बीघा गलियारा, ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच एक भूभाग जो है वो सीमा बनाता है, जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम क्या है, 3 बीघा गलियारा, ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन बनता नहीं लेकिन फिर भी ध्यान रखने के लिए, ज्ञान कुछ भी मिले अच्छा ही है, जो भी मिल जाए, ठीक है, इतनी बात। ये तो है स्थल सीमा के। अब मैंने आपको बताया था जली, जल के साथ, देखिए जो परीक्षा में प्रश्न बनता है वो अक्सर श्रीलंका और भारत के बीच में बनता है कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय जली सीमा उसका नाम क्या है, उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य, उसका नाम क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जलीय सीमा है उसका नाम है भारत तथा श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के बीच कौन सी, पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट जिसे बोलते हैं, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, ये बात क्लियर हुई, क्या नाम है उसका, पाक जल डमरू मध्य। ये जो श्रीलंका है वो किस देश में, किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में, ठीक, और ये भारत का मैंने आपको बताया इस तरफ वाला, इस तरफ कौन सा, बंगाल की खाड़ी, मैंने इस तरफ वाला जो सागर है इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, वो बताया था बंगाल की खाड़ी। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि पाक जल डमरू मध्य किन दो जल संधियों को जोड़ता है, तो वो कौन कौन सी है, एक तो बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, दूसरा किसे जोड़ता है, हिंद महासागर को, आपस में ये जो है ये जल डमरू मध्य है ये थोड़ा सा इधर बना हुआ है, ठीक है, मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया इस तरीके से, ठीक, तो ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जो है पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य आपस में जोड़ता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। जो परीक्षा में प्रश्न बनता है वो मैंने आपको बताया कि क्या क्या पूछा जा सकता है और कौन कौन से राज्यों के साथ भारत की जो सीमा है, किन किन राज्यों की, किन किन देशों से जुड़ती हैं, इनका प्रयास मैंने किया आपको बताने के लिए। अब अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो या कुछ समझने में आपको नहीं आया हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से, मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगी, और आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।